मणिपति पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं टाटा कम्युनिकेशंस के ऊपर चर्चा करूंगा। यह एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा कम्युनिकेशंस सबसे बड़ी खुद की ओन की हुई एडवांस सबसी फाइबर नेटवर्क, जहां से 30% दुनिया का इंटरनेट राउट जाता है, इस कंपनी के अंतर्गत है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, समुद्र के नीचे फाइबर नेटवर्क का जाल बिछा होता है, जिसके जरिए इंटरनेट की सुविधा सबको मिल पाती है। तो टाटा कम्युनिकेशंस उस जाल का एक हिस्सा की मालिक है, जिससे 30% दुनिया की इंटरनेट राउट चलती है। तो यह एक बहुत ही काबिले तारीफ चीज है एक कंपनी के लिए। टाटा कम्युनिकेशन 200 से ज्यादा देशों में मौजूद है और दुनिया के 80% मोबाइल सब्सक्राइबर इससे कनेक्टेड है। तो अगर हम एक तरह से देखें तो टाटा कम्युनिकेशन, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती, बहुत ज्यादा बात नहीं होती है, यह कुछ क्षेत्रों में मोनोपोली वाला पोजीशन है इस कंपनी का, और काफी ज्यादा फैली हुई कंपनी है। मतलब 200 से ज्यादा देशों में यह कंपनी फैली हुई है, जहां बहुत कम ही टाटा ग्रुप की कंपनियां या दुनिया में ऐसी कंपनियां हैं जो 200 से ज्यादा देशों में फैली हुई है। एक तरह से ये जो जिस भी व्यापार में है कम्युनिकेशंस के, उस पे इनका मोनोपोली है। इनके पास 7,000 से ज्यादा क्लाइंट है और 60% फॉर्च्यून 500 कंपनियां भी इनकी क्लाइंट है। तो एक तरह से ये फिर से टाटा कम्युनिकेशंस का डोमिनेंट, मतलब एक मोनोपोली पोजीशन दिखाती है। यह कंपनी नेटवर्क सॉल्यूशंस में काम करती है, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, 30% दुनिया का इंटरनेट राउट इस कंपनी के अंतर्गत है। यह क्लाउड सॉल्यूशंस में भी है, यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में भी यह कंपनी है, सिक्योरिटी सर्विसेज में भी यह कंपनी है, मैनेज्ड सिक्योरिटी सर्विसेज में भी कंपनी है, मोबाइल और IoT सॉल्यूशन, जिसके अंतर्गत eSIM फीचर, eSIM अभी हाल की टेक्नोलॉजी है और कई मोबाइल कंपनियां eSIM की फीचर दे रही हैं, तो यह एक उभरता हुआ क्षेत्र है। क्रॉस बॉर्डर सेलुलर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कंपनी है। यूनिफाइड कम्युनिकेशंस, इसमें वॉइस सॉल्यूशन, कॉन्टैक्ट सेंटर, इन क्षेत्रों में भी ये कंपनी मौजूद है। करियर सर्विसेज, जिसमें मोबाइल मैसेजिंग एक्सचेंज, VAS यानी वैल्यू एडेड सर्विसेज, मीडिया और एंटरटेनमेंट सर्विसेज में लाइव इवेंट सर्विसेज, मीडिया क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन क्षेत्रों में भी कंपनी का प्रेजेंस है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क में वीडियो CDN, CDN सिक्योरिटी और इमेज ऑप्टिमाइजेशन में भी कंपनी मौजूद है। अगर आप IT बैकग्राउंड से या IT इंफ्रास्ट्रक्चर बैकग्राउंड से हैं, तो आपको पता होगा कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्षेत्र है और काफ़ी सारे छोटे प्लेयर्स इस क्षेत्र में हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें तो करियर सर्विसेज, आजकल मोबाइल मैसेजिंग उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है व्हाट्सएप के आने के बाद से, फिर आपका जो क्लाउड सॉल्यूशंस है उसमें फॉरेन कंपनीज ही डोमिनेट कर रही हैं। एक तरह से कंपनी कई क्षेत्रों में है, लेकिन ये क्षेत्र काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं और फॉरेन कंपनीज के द्वारा डोमिनेटेड क्षेत्र है। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क सॉल्यूशंस और कनेक्टिविटी क्षेत्रों में कंपनी पहले से ही मोनोपोली पोजीशन पे पहुंच गई है और वहां पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद नहीं है, और दूसरे जो क्षेत्रों में कंपनी ऑपरेट करती है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है और वहां पे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, जैसे eSIM एक नया फ्यूचर की चीज़ है जहाँ पर आप ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। यहाँ पे इन्वेस्टर को सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि
भविष्य का ग्रोथ कहाँ से आएगा, यही एक चीज इस कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। अभी तक जो इनके पास प्रोडक्ट्स थे, जो सर्विसेज थे, इसमें वो मोनोपोली पोजीशन पा चुके हैं और वहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद नहीं है। तो फ्यूचर ग्रोथ कहाँ से आएगा, ये सबसे बड़ा यह प्रश्न है इस कंपनी के लिए, जो किसी भी इन्वेस्टर को इस कंपनी में निवेश करने के पहले पूछना चाहिए। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक है, जहाँ पे आपको टाटा के साथ साथ दूसरे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस की लिस्टेड कंपनियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो साइट का लिंक है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उन कंपनियों के ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा और चैनल पे अपलोड करूंगा। तो भविष्य के वीडियो की जानकारी के लिए आप मणिपति यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया होगा, आप उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको घंटीनुमा आकृति दिखाई देगी, आप उस पर क्लिक करिए। इस तरीके से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका आपको पता चल जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सेबी पंजीकृत नहीं हूँ। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वह मेरे खुद के रिसर्च के लिए है और मैं इसे साझा करता हूँ ताकि दूसरों को भी इससे मदद मिल सके। धन्यवाद।